हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मोटोरोला कंपनी के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ है मोटो का S20 फ्यूजियन और दूसरी तरफ है मोटो का G82। अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, जानने के लिए आज का ये कंपैरिजन वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो के S20 फ्यूजियन को 18,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G82 5G को 21,499 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2,500 रुपीज का डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस कंपैरिजन वीडियो में कि आप लोगों को 2,500 रुपए ज्यादा खर्च करके मोटो के G82 5G को बाय करना चाहिए या फिर कम पैसे खर्च करके मोटो के S20 फ्यूजन को बाय करना। दोनों स्मार्टफोन की अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जो कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोटो के G82 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक पावरफुल 5G गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के S20 फ्यूजन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में तो ये दोनों स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है, पर जब बात आती है कि इन दोनों में से स्मार्टफोन में से परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो मोटो का G82 5G कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है परफॉर्मेंस के मामले में मोटो के S20 फ्यूजन से। स्मार्टफोन के अगर अंतुतु स्कोर की बात करी जाए तो मोटो के G82 5G को जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 408,000 निकल के आता है, जबकि मोटो के S20 फ्यूजन का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 361,000 निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं मोटो का G82 5G गेमिंग और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में बेस्ट है मोटो के S20 फ्यूजन। स्मार्टफोन की डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो मोटो के S20 फ्यूजन में 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G82 5G में 6.6 इंच की POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले POLED होने की वजह से डिस्प्ले का जो बेजल है वो काफी कम देखने को मिलते हैं और स्मार्टफोन के मुकाबले में। वहीं डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग का अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मोटो के G82 5G में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि क्वालकॉम 695 के प्रोसेसर के साथ साथ डिस्प्ले में आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा एडवांटेज मोटो के G82 5G के पास देखने को। स्मार्टफोन के कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो मेगापिक्सल में तो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोटो के G82 5G में 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के S20 फ्यूजन में 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा काफी ज्यादा बेस्ट है 50 मेगापिक्सल के कैमरे से, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोटो के G82 5G में कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिर्फ इसी वजह से कैमरे की जो पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो काफी ज्यादा बेटर निकल के आती है मोटो के S20 फ्यूजन से, जबकि मोटो के S20 फ्यूजन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। उसके बावजूद भी आप लोगों को मोटो के G82 की जो कैमरा क्वालिटी या कैमरा पिक्चर जो निकल के आती है वो काफी ज्यादा बेटर निकल के आती है। तो अगर आप लोग भी कैमरा वाइज कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मोटो के G82 5G की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है और दोनों स्मार्टफोन में 30W का टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्या ज्यादा पैसे खर्च करके मोटो के G82 5G को बाय करना चाहिए? अगर आप लोग ज्यादा पैसे खर्च करके मोटो के G82 5G को बाय करोगे तो आप लोगों को एक अपग्रेड प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, मोस्टली में आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, OIS वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, एक अच्छी खासी बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आप लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करके मोटो के G82 5G को ही बाय करना चाहिए, पर अगर आप लोग